किसान भाइयों अगर आपने गर्मियों के दिनों में उलद की खेती की है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें किसान साथियों में दिनेश आकर आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग किसान साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उलद की खेती को लेकर किसान साथियों उलद की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए इस बार बहुत से किसान भाइयों ने गर्मियों के दिनों में उलद की बुआई की है उलद की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता भी नहीं होती है और इसमें यह खास बात है कि यह फसल कम समय में पक कर तैयार हो जाती है जिससे आप कम समय और कम खर्चे में आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो अगर आपने गर्मियों के दिनों में उलद की फ़सल की है तो किसान भाइयों किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए उड़द की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए पहला खाद कौन सा डालना चाहिए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी इसलिए वीडियो में तक बने रहिए और आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें किसान साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़द की खेती को लेकर बहुत से किसान भाइयों ने सरसों के खेत खाली खाली होते ही उड़द की फसल की बुआई की है बहुत से किसान भाई अभी भी उड़द की बुआई कर रहे हैं किसान भाइयों आप उड़द की खेती करके आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है आप कम समय और कम खर्चे में आप ज्यादा मुनाफा ले सकते हो किसान भाइयों हम बात करेंगे उड़द की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई के साथ कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़े पौधे में पीलापन भी ना आए पौधे का सही तरह से विकास भी हो जिससे आप उलद की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो आप उलद की खेती करके आप तीसरी फसल के रूप में इसकी बुआई कर सकते हो किसान भाइयों अगर आपके उलद की फसल दस से पंद्रह दिनों के अंतर्गत हो चुकी है तब आप उड़द की फसल में पहली सिंचाई कर सकते हो किसान भाइयों आप पहली सिंचाई में आप पहली सिंचाई ज़्यादा लेट ना करें क्योंकि किसान भाइयों अभी गर्मी का मौसम है पौधे को पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है इसलिए आप उलद में पहली सिंचाई दस से पंद्रह दिनों के अंतर्गत में आप पहली सिंचाई कर दें किसान भाइयों आप सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखें किसान भाइयों बात करें पहली सिंचाई में कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों आपको पहली सिंचाई में यूरिया का प्रयोग करना है क्योंकि किसान भाइयों यूरिया में छियालीस प्रतिशत नाइट्रोजन गैस होती है यूरिया का प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगती है पौधे में पीलापन भी नहीं आता है पौधे का सही तरह से विकास भी होता है और पौधे में किसी भी तरह की बीमारी भी नहीं आती है जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वह भी सही तरह से चलती रहती है इस किसान भाइयों इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 20 से 25 के जी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का प्रयोग करना है किसान भाइयों अगर आपके पानी के पर्याप्त साधन हैं तो आप गर्मियों के दिनों में उड़द की खेती से आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है आप कम समय और कम खर्चे में आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो अगर आप उड़द की खेती की है तो किसान भाइयों आपको हमारे चैनल पर उड़द से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद होगी वीडियो को लाइक अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें